वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था कल, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या किया था हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज किया था. टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस वी हैव डिस्कस्ड. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. ओके, नाउ स्टूडेंट एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो वन टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज दैट क्लियर? वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हैव डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. We have done student electric potential. I have said that the work is done in moving a charge from one point to another point. Is it clear? Electric potential work done upon me charge. Work done upon me charge means work is done in moving a charge from one point to infinite point. We can see that. Infinite point is that point which is not defined. Is it clear to everyone? Now, electric potential is denoted by V. V is equal to W upon me Q. We know that the notation of the work done is W and charge is Q. Is it clear? Now, student, we have a concept unit of potential. Electric potential is volt. Unit of electric potential is volt. Is that clear? अब सिर्फ क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, डिफाइन वन वोल्ट. कि वन वोल्ट क्या होता है? आप स्टूडेंट देखिए, वर्क डन के यूनिट होते हैं जूल. अगर आप नॉर्मली बात करते हैं तो वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं? जूल होते हैं. और चार्ज के यूनिट हमने डिस्कस किए थे कि चार्ज के यूनिट क्या होते हैं. चार्ज के यूनिट हमारे पास होते हैं कूलम. क्या होते हैं? तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक जूल को काम को करने के लिए कितना चार्ज हमने फ्लो किया? वन कूलम चार्ज. यानी कि वन जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इज इट क्लियर? वन वोल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इन्फाइनाइट पॉइंट या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यू कैन सी दैट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गॉट इट? नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. Which instrument is used to measure potential difference? कि potential difference को measure करने के लिए कौन सा instrument use किया जाता है? तो student, कौन सा instrument use किया जाता है? हम use करते हैं voltmeter. Is that clear students? What we use? We use voltmeter. Voltmeter is the instrument which is used to measure potential difference or electric potential. Is that clear student? Got it? Electric potential 1 volt and which instrument? Students, can you tell me? We have a one question. कि एमीटर जो है वो कैसे कनेक्टेड होता है एप्लायंसेस, जो घर में जितने भी हम एप्लायंसेस यूज करते हैं, हाउ एमीटर इज कनेक्टेड टू द एप्लायंसेस इन हाउसेस. यू नो दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज. इफ यू विल स्विच ऑफ द एमीटर, इफ द सर्किट ऑफ द एमीटर इज ब्रेक डाउन, देन द ऑल एप्लायंसेस विल नॉट वर्क. Your all appliances working will be stopped. Is it clear, student? सबको समझ में आया? And the voltmeter is connected
इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ पैरेलल. इज इट क्लियर स्टूडेंट? किसमें कनेक्टेड होता है? पैरेलल में कनेक्टेड होता है. गॉट इट? सबको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू हियर, ओम्स लॉ, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. इज इट क्लियर? तो नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम ओम्स लॉ जो है वो स्टार्ट करते हैं. ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए स्टूडेंट, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेटमेंट देता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. इज इट क्लियर? क्या कहा? द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. टेम्परेचर और जो भी दूसरी फिजिकल जो हमारे पास कंडीशंस होंगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है? रिमेनिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, रिमेनिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट, फिजिकल कंडीशंस कॉन्स्टेंट. इज इट क्लियर? दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आई इज द करंट. आई क्या होता है? करंट होता है, ठीक है? तो वी कैन से दैट इट स्टेज दैट. इज इट क्लियर? इट स्टेज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor, remaining temperature and other physical condition constant. Now students, जब हम इसको directly proportional को यहाँ से हटाएंगे तो हम constant use करेंगे इसको. इसके लिए जब भी आप इसको यहाँ से remove करते हैं तो we will always use constant. So that is constant is R. V is equal to IR. अब student, R is a resistance. आर क्या है? रेजिस्टेंस है. यू नो दैट आई इज अ करंट, आर इज अ रेजिस्टेंस एंड बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर हो स्टूडेंट? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के का ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जब ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट ये आपके पास है, स्ट्रेट लाइन. इज इट क्लियर? गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ रेजिस्टेंस क्या होती है? अब हमारे पास क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि रेजिस्टेंस क्या है. अब सुन, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो करंट जो फ्लो करता है ना उसको अपोज करती है, करंट को फ्लो नहीं होने देती, अपोज करती है, ठीक है? तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज the flow of, to oppose the flow of charge
थ्रू इट, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि जो चार्ज को फ्लो करने से अपोज करती है हम उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कि यूनिट होंगे क्या होंगे रेजिस्टेंस के यूनिट. स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस के यूनिट जो है वो होते हैं ओम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ठीक है, यूनिट रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम होते हैं. ठीक है, जिसको हम ऐसे आप इसको डिनोट करें. दिस इज द सिंबल ऑफ द ओम. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई. रेजिस्टेंस क्या होगी? वी अपॉन में आई. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन में आई. अब सर रेजिस्टेंस हम किसको कह सकते हैं? अब एक ओम रेजिस्टेंस कब होगी? अब क्वेश्चन यहां से अराइज होगा, डेफिनेटली अराइज होगा. डिफाइन वन ओम. गॉट इट ना स्टूडेंट्स? क्वेश्चन क्या अराइज होगा? डिफाइन वन ओम. देन व्हाट विल यू से? व्हेन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. आप क्या कहेंगे? जब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? वो सर कंडक्टर जब आप उसको अप्लाई करते हो कितने उस करंट में से? वन एम्पियर करंट में से. तो राइट डाउन द डेफिनेशन. इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट. इज दैट क्लियर? क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा? वन वोल्ट. ठीक है, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर मेक आ करंट ऑफ वन एम्पियर. मेक अ करंट ऑफ वन एम्पियर टू पास थ्रू इट. जब एक एम्पियर करंट को अपने में से वो पास होने देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वन वोल्ट कहेंगे. दोबारा देख रहे स्टूडेंट्स, ओम्सला क्या कहता है? ओम्सला कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. यानी कि द रिमेनिंग टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन विल बी कॉन्स्टेंट. अब आपको दैट इज उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है. वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द सिंबल ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई इज द करंट. आप इसको हटाएंगे तो आर. ठीक है, तो उसके बाद आर इज अ रेजिस्टेंस. तो क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रेजिस्टेंस. क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू हिम. मतलब कि ये जो चार्जेस फ्लो करते हैं उनको अपोज करती है. अब हमारे पास यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? वन ओम है. तो यानी कि वन ओम क्या होगा? अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का अप्रोच द एंड ऑफ द कंडक्टर मेक अ करंट ऑफ वन एम्पियर टू पास थ्रू. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? गॉट इट? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओम्स लॉ क्या होता है और इसका डेरिवेशन मैथमेटिकली वी कैन सी दैट. ठीक है, ये मैथमेटिकली हमारे पास है. यू कैन राइट हियर मैथमेटिकली. ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो आप ये पूरा टॉपिक नोट डाउन कर लेंगे.